अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं बहुत दिन के बाद में मस्जिद अंसार का एक ब्लॉग बना रहा हूँ, गार्डन का। ये हमारा मस्जिद अंसार का गार्डन है और ये है हमारी मस्जिद अंसार। ये नारियल का झाड़ झुक गया है। ये पेरू का झाड़ है। ये है वजू खाना। ये ग्रीन स्टार बॉक्स है, जूनी किताबें दीनी किताबें इसमें डाल दो तो रिसाइकलिंग होगी। ये अल्लाह के 99 नाम है माशाल्लाह। पहले यहाँ पे एक फिस्टेक हुआ करती थी तो ये ऊपर से झाड़ गिरने से इसका कांच टूट गया था तो इसलिए इसको हटा दिए फिस्टेक। यहाँ पे जो मच्छी कछुआ ये सब थे कब्रिस्तान मस्जिद में उसको हाउस में डाल दिए। ये मस्जिद अंसार का दूसरा गेट है। ये झाड़ देखो यहाँ पर बाहर का है होता है बाहर ममनू नहीं लेकिन ये 3 पॉट रखे हुए पानी पीने के लिए, कबूतर चिड़िया ओड़िया कोई भी आवे। अभी तो गर्मी कम है, मैं तो पहला बहुत गर्मी हुआ करती थी 20-25 दिन पहले मई में। अभी तो जून भी जा रहा है तो मई में बहुत गर्मी थी तो गर्मी और सर्दी और पानी तो देना ही पड़े। पेरू का झाड़ है और ये आम का झाड़ अभी लगा है, इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये और ये बाजू में नीम है। और ये है ठंडे पानी का कूलर, इसमें ठंडा पानी है, इसमें सादा पानी है और इसमें दोनों मिक्स है। अजान हो रही के बाद में पेरू आए। अल्लाह
और ये वजू खाना दूसरा है हमारे मस्जिद का, अंसार का बड़ा वजू खाना है, 50-60 सीट का वजू खाना है। ये दूसरा गेट है मस्जिद अंसार का जो रोड की तरफ निकलता है, एसपी रोड की तरफ। चलो अभी ये ब्लॉग बंद करता हूँ मैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ झाड़ गार्डन है मस्जिद अंसार का। पेरू भी काफ़ी आ गए वो बता रहा था, ये लगता है कि माइक लाना ही पड़ेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।